उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के विरोध के बावजूद आज आखिरकार यूपी को का बिल पास हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से पेश इस विधेयक को सदन में ध्वनि मत से पारित किया गया, जहां इसके पास होने के बाद बीजेपी खुश है और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा कर रही है। वहीं विपक्ष ने इसे काला कानून करार दिया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का दम भरने वाली योगी सरकार जब बढ़ते क्राइम ग्राफ पर घिरी तो उसने महाराष्ट्र की तर्ज पर प्रदेश में यूपी को का विधेयक बना दिया और सदन में इसे पेश किया। योगी ने संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक को पेश करते हुए कहा कि हमारी सरकार के राज में अच्छे परिणाम सामने आए हैं, उन सबके बावजूद महसूस किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अपराध पर पूर्ण नियंत्रण के लिए कठोर कानून की आवश्यकता है। अपराध रोकने का दावा कर योगी जब अपनी पीठ थपथपा रहे थे तब विपक्ष उनकी आलोचना कर रहा था। सपा के नेता राम गोविंद चौधरी ने कहा कि बीजेपी सरकार के समय अपराध बढ़े हैं, यूपी कोका पुलिस की जेब भरने वाला कानून है। विपक्ष ने इसे काला कानून बताते हुए विधानसभा से वॉकआउट कर दिया, लेकिन बावजूद इसके सदन में विधेयक को ध्वनिमत से पारित करा लिया गया, क्योंकि विधायकों की संख्या बल के हिसाब से योगी के पास पूर्ण बहुमत है। सरकार का दावा है कि इस कानून के आने से अंडरवर्ल्ड, जबरन वसूली, जबरन कब्जे, वैश्यवृत्ति, अपहरण, फिरौती, धमकी और तस्करी जैसे संगठित अपराधों पर लगाम लगेगी। आपको बता दें कि यूपी कोका कानून के तहत जिन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा उनके खिलाफ 180 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल की जाएगी। यूपी कोका कानून के तहत गिरफ्तार किए गए अपराधी के लिए मुश्किल काफी बढ़ जाएगी। पुलिस अपराधी को 30 दिन तक रिमांड में ले सकती है और उसे 6 महीने से पहले जमानत नहीं मिल सकती। अपराधी को कम से कम 5 साल की सजा मिलेगी, जबकि अधिकतम सजा का प्रावधान फांसी होगी। इस कानून के तहत मामलों की निगरानी खुद प्रदेश के गृह सचिव करेंगे, साथ ही मंडल स्तर के आईजी रैंक के अधिकारी की संस्तुति के बाद ही आरोपी पर इस कानून के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इस बिल में यूपी कोका से जुड़े तमाम मामलों की सुनवाई के लिए अलग से विशेष अदालत बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। वैसे इससे पहले साल 2007 में मायावती भी यह कानून लाना चाहती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें इसकी मंजूरी नहीं दी थी। पर अब जब बीजेपी की सरकार घिरी तो उसने खुद ब खुद मायावती के कानून को ही मंजूरी दे दी। लेकिन अब देखना होगा कि इस कानून से कितने अपराध रुकते हैं। टीवी लाइव की रिपोर्ट।